आज सिक्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं अलजेब्रा का एक्सरसाइज 1A। तो देखो आप क्लास सिक्स से क्या करते हो, अलजेब्रा सीखना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ जो बेसिक अलजेब्रा होगा वो हम लोग सीखेंगे और अच्छी तरह से ध्यान से सीखने की कोशिश करना, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप आपके लिए क्या होगा, नया होगा, सब कुछ आपके लिए नया है। तो आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, हम भी बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी तरह देखो, पहला जो हमको करना है, पहला जो सीखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, राइट द फॉलोइंग सिम्बोलिकली। तो ये सिम्बोलिकली हमको क्या दिया है कि स्टेटमेंट दे दिया है सारा, और इसको हमको क्या करना है, अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला जो है क्या लिखा हुआ, सम ऑफ थ्री एंड ए, किसका किसका सम फाइंड करनी है, थ्री का। तो सम का मतलब तो पता है, जो जो नंबर दिया था उसके बीच में प्लस का साइन दे के आप लिखते चले जाओ। तो पहला नंबर क्या था, थ्री, हमने लिख दिया, और सम करनी है तो प्लस का साइन दिए, और किसका, ए का। ये हो गया अपने पास, सम आ गया। अब बोलोगे थ्री प्लस ए कोई वैल्यू आएगा क्या, कुछ नहीं। देखो अलजेब्रा में एक रूल आप अच्छी तरह समझ लो, वैल्यू किसका मिलता है, अगर आपके पास सेम टर्म है तो वो ऐड होगा, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट टर्म्स हैं तो आप जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख दो। अब ये सेम टर्म डिफरेंट टर्म आपको हम समझाएंगे थोड़ा सा आगे आकर। दूसरा क्या लिखा है, सम ऑफ सिक्स एंड माइनस एक्स, तो आप क्या लिखोगे, सिक्स सम करना है तो क्या साइन दोगे, प्लस का, और किसका करना, माइनस एक्स का। अब देखो जरा सा अच्छी तरह से, आप अलजेब्रा में एक चीज समझ लो, जब प्लस और माइनस बीच में और प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों साइन का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस और माइनस साइन का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और जब माइनस एंड माइनस साइन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो आप आगे चलकर सीखोगे ये भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस एक्स, ये आपके पास आएगा। या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो अभी के लिए, क्लास सिक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, देखो फाइव नंबर सम्स, ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू। देखो सब्ट्रैक्ट किसको करनी है, ए को करनी है, फ्रॉम टू किससे करनी है, टू से करनी है। तो जिससे करनी है उसको आप क्या रखोगे, पहले रखोगे, टू को लिख दिया, क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, हमने माइनस का साइन दिया, और किसको सब्ट्रैक्ट करनी है, ए को सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। बस ऐसे ही लिखते चले जाना है। फिर क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड पी, प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, मल्टीप्लाई करना हमको, तो मल्टीप्लाई किसको किसको करनी है, 11 एंड पी को, तो आप जैसा था 11 इंटू पी, ये आपने लिख दिया, ये आपका आंसर। देखो फिर नाइन नंबर सम्स क्या लिखा है, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स का मतलब क्या है, अगर आपको ट्वाइस बोलता है, थ्री टाइम्स बोलता है, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, इसका मतलब थ्री टाइम्स मतलब थ्री से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस का मतलब टू से मल्टीप्लाई करो, फाइव टाइम्स का मतलब फाइव से मल्टीप्लाई करो, जैसा बोला जाएगा आप मल्टीप्लाई कर देना। क्या बोला, थ्री टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले क्या करोगे, आप सम निकालोगे, किसका किसका सम निकालना है, एक्स एंड वाई का। अब आप सीख गए होगे कैसे करना है, तो आप लिख दो एक्स प्लस फाइव, तो x एंड 5 का हमको सम निकालना था, और इसका कितने टाइम्स, थ्री टाइम्स, ये जो सम निकला है ये टोटल का थ्री टाइम्स, तो इनटू आप थ्री कर दो। आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, जहां आपका मन करे आप कर सकते हो। फिर देखो एक 9-11 नंबर क्या लिखा हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री, प्रोडक्ट मतलब समझ में आप आ गया आपको, क्या मल्टीप्लाई करनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री एंड, एंड देखो ब्रैकेट अच्छे से समझना, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब x एंड y का जो डिफरेंस आएगा उसको हमको मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन एक कंडीशन है, क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 2। तो आप जब भी आप डिफरेंस करते हो तो आप अच्छी तरह जानते हो, बड़े वाले नंबर से हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो जरा सा, तो पहले तो आपको डिफरेंस फाइंड करना होगा, तो जो बड़ा नंबर था मेरा x, उससे हमने क्या किया, छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया, ये हमको मिला। अब फिर हमको प्रोडक्ट करनी है, अब ये जो आंसर आया इसका प्रोडक्ट निकालना है, किसके संग, थ्री के संग, तो प्रोडक्ट का मतलब तो समझ गया आप, मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने क्या किया, थ्री से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब देखो जरा सा, इस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का लास्ट सम से कर लेते हैं, 13 नंबर, वन एडेड टू, वन क्या करना है, एड करना है, किसमें एड करनी है, पहले ये देखो जरा सा, टू ट्वाइस द सम ऑफ एक्स एंड पी, किसका, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब आप समझ गए क्या, टू से मल्टीप्लाई करनी है, तो ट्वाइस द सम ऑफ एक्स एंड पी। तो पहले आप सम निकालो, किसका किसका सम निकालना है, एक्स एंड
पी का निकालना है, तो आपने एक्स लिया, फिर आपने ऐड कर दिया किसको, पी, ये तो मेरा निकल आया। अब इसका कितना करना है, देखो जरा सा, ट्वाइस, आपको अभी समझा देते हैं। ट्वाइस का मतलब क्या करोगे आप, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप लो जरा सा टू से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर क्या करना है इसमें, जैसा जैसा बोला गया है आप वैसा करते जाना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो लिखना था आता चला जाएगा। फिर क्या करना है, ऐड करना है कितना, वन, तो आप चलो जरा सा ऐड का साइन दो और ये वन, तो ये आप इस फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि बिगनिंग है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना आप सीख गए होंगे। देखो जरा साहब, टू नंबर करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। देखो करना कैसे है, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है एक अल्जेब्रिक टर्म दे दिया हमको, क्या दिया, ए दे दिया। अब देखो जरा सिमिलर टर्म एंड डिफरेंट टर्म आपको समझना होगा। सिमिलर मतलब क्या, सपोज कर आपके पास सारा ए दिया हुआ, तो ये कैसा हो गया, ये सब सिमिलर कहलाएंगे। अगर कहीं पे अगर सपोज करो ए के बदले ए स्क्वायर दे देता, फिर ये अलग हो जाता, या ए क्यूब दे देता, फिर भी ये क्या होता, अलग हो जाता, या ए के संग दूसरा कोई टर्म देता। तो देखो अब ये ए, ए के संग अगर सपोज करो कहीं लिखा हुआ क्या ए, तो ये और ये कैसा हुआ, सिमिलर। कहीं लिखा हुआ 5a, तो ये भी ये तब भी सिमिलर हुआ। अगर सपोज करो ए के संग कहीं लिखा हुआ 6a, फिर भी ये सिमिलर होगा। लेकिन ए के संग अगर सपोज करो ए स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब दोनों ए है, लेकिन ये दोनों टर्म कैसे हैं, दोनों अलग अलग है, एक में ए है, एक में क्या है, ए स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म कैसा हुआ, अलग अलग हुआ, तो फिर इसको आप ऐड नहीं कर सकते। तो अलजेब्रा में देखो रूल्स क्या है, कि जो सिमिलर टर्म्स हैं आप ऐड सिर्फ उसी को एक संग कर सकते हो, अगर डिसिमिलर सम्स है, टर्म्स है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐड नहीं कर सकते, जैसा था वैसा लिखना होगा। तो यहाँ देखो सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, सिमिलर है, किस में है, प्लस में है, तो टर्म जो है क्या है आपके पास, ए है, ए जितना था ए ही रहेगा। अभी कितने ए है, इसका क्या नंबर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, वन, तो ये देखो क्या, वन टू थ्री फोर फाइव, अब क्या करा आपने, लिख दिया, क्या आ गया, फाइव। दूसरा देखो जरा सा, एक्स 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 मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है कि सिमिलर है, सिर्फ एक्स वाले टर्म होने पर ही क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो यहाँ देखो जरा सा एक्स, तो पहले आप एक्स लिख लो, सबका क्या आता सेम है। अब देखो जरा सा इसके पावर कितने, मल्टीप्लाई जब करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नंबर जब करोगे, नंबर जब ऐड होगा तो इसके टर्म्स को ऐड करोगे, कितना है इसके नंबर्स को, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर को ऐड करोगे। अच्छी तरह समझना, जब आप ऐड कर रहे हो तो जो टर्म्स है आपके पास, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको आप ऐड करते जाओगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो पावर है इसके, इसके पावर कितने, वन, इसका भी पावर वन, इसका भी वन, इसका भी वन, इसका भी वन, वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर फाइव आ गया आपके पास। अब देखो डिवाइड में, तो वाई डिवाइडेड जेड, तो वाई डिवाइडेड जेड अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, y by z, divide का मतलब तो यही होता है, अगर आपको कहीं लिखा रहे 2 divided 5, आप कैसे लिखोगे, 2 by 5, ऐसे ही ना। तो y divided z आप अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, y by z, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y into 1 by z, अलग अलग अगर लिखो तो y into कितना लिखोगे आप, 1 by z लिखोगे। फिर देखो write the base and the index of power, आपको दोनों लिखना है, बेस भी लिखना है और पावर भी लिखना है आपके पास। देखो ये जो आप लिखते हो इस तरह के टर्म्स, तो नीचे वाला जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, बेस, ऊपर वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड पावर। तो अगर यहां लिखो बेस, बेस कितने का है, बेस है एक्स, पावर कितना है, तो पावर है कितना, थ्री। यहां अगर आप बेस की बात करो तो बेस क्या होगा, ए, पावर की अगर बात करो पावर क्या होगा, सेवन। यहां अगर आप बेस की बात करो बेस क्या होगा, बी, एंड पावर की अगर बात करो पावर क्या होगा, फोर। अब देखो जरा साहब आपके पास नेक्स्ट आ रहा है क्या, फॉर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिस वन, एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया, अब आपको क्या था, कुछ क्वेश्चंस दे दिया है और बोला क्या, इनका आंसर आप दो। पहला बोला क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कितने टर्म्स हैं। देखो टर्म्स आप काउंट कैसे करते हो, कितने चीजों को आप एक टर्म काउंट करोगे, जैसे मैं समझाता हूँ। देखो टर्म्स आप काउंट करना कैसे सीखोगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से और आसानी समझ लेना। सपोज कर आपके पास लिखा हुआ क्या, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, आप बोलो कितने टर्म्स, आप सोच रहे हो क्या, एक्स एक हुआ, वाई एक हुआ, जेड एक हुआ, कितना हो गया, तीन हो गया, बिल्कुल नहीं, आप गलत जा रहे हो। देखो जब तक किसी भी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन ना आ जाए, तब तक पूरे टर्म्स को आप एक सिंगल टर्म, तो ये पूरा मिला कितने टर्म्स हुआ, एक टर्म। लेकिन अगर आपको ऐसा लिख रहा था x प्लस y प्लस z, मतलब जैसे ही आपको प्लस या माइनस का साइन दिख जाए, इसका मतलब समझ देना x, इसके बाद क्या प्लस, तो इसके पहले का एक टर्म,
फिर आपके पास क्या होगा y, फिर क्या होगा प्लस साइन, मतलब अब जो इसके पहले का ये भी एक टर्म z, ये भी एक टर्म, या आपको सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है x y z प्लस a इंटू बी इंटू सी प्लस पी इंटू क्यू इंटू आर, ये आपके पास लिखा हुआ है। अभी देखो x y z तीनों तीनों के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन आया क्या? नहीं आया, मतलब ये पूरा मिला के एक टर्म हुआ। अभी फिर देखो यार सब प्लस का साइन आ गया, मतलब यहां तक खत्म, मेरा ये टर्म खत्म। फिर यहां से स्टार्ट हुआ a इंटू बी इंटू सी, इसके बीच में भी कोई प्लस माइनस का साइन आया? नहीं आया। अब यहां आया प्लस का साइन, मतलब यहां एक टर्म खत्म, ये हुआ एक टर्म। अब देखो यहां पे p इंटू क्यू इंटू आर, बीच में प्लस माइनस कुछ भी साइन नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? एक टर्म। देखो टर्म कैसे होता है, जैसे प्लस या माइनस आएगा उसके पूरे को, उसके पहले के पूरे को हम एक टर्म काउंट करेंगे। तो यहां आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो देखो यहां से लेकर यहां तक कितना टर्म हुआ? एक टर्म। फिर यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म हुआ? एक टर्म। फिर देखो माइनस आ गया अलग, फिर यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म? एक टर्म। और ये यहां से लेकर यहां तक एक टर्म, तो टोटल कितने हुआ? वन टू थ्री फोर, तो कितने टर्म्स आ गए आपके पास? टोटल फोर। फिर बोलता है क्या, राइट द कॉन्स्टेंट टर्म। देखो कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल आपको समझना होगा, जिस किसी के संग भी एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी अल्फाबेट लगा हो उसको आप समझ लेना वेरिएबल, और जिसमें सिर्फ नंबर हो ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी ना लगा हो उसको आप क्या बोलोगे? कॉन्स्टेंट। तो यहां देखो कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास क्या है? वन, आपने लिख दिया क्या? वन। थर्ड नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अब आपके पास जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को अलग अलग करके एक एक करके आप लिखना स्टार्ट करो। तो आप पहला टर्म क्या है, अब तो आप सीख गए होंगे, तो पहला टर्म क्या आपके पास है? थ्री एक्स स्क्वायर, आप लिख दो थ्री एक्स स्क्वायर। अगर प्लस है तो आप साइन नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो साइन लिखना पड़ेगा। दूसरा प्लस में ही है, फाइव एक्स वाई, तो क्या लिखा आपने? फाइव एक्स वाई। तीसरा देखो लेकिन किसमें है? माइनस में है, तो माइनस में है तो आपको साइन देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। क्या लिखा आपने? माइनस सेवन वाई स्क्वायर। और जो लास्ट टर्म आपके पास क्या होता है? वन है, आपने लिख दिया क्या? वन। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है आपके पास, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। आपसे बोला क्या? कोफिशियंट लिखो। देखो कोफिशियंट लिखो बोल तो दिया, पहले आप क्या सीखे हो कोफिशियंट कैसे निकालोगे, कैसे मिस करना है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कोफिशियंट कैसे निकालोगे। देखो कोफिशियंट निकालना ये बहुत ही इजी है और ये सब आप आराम से कर पाओगे, बहुत सिंपल सा है ये, सर आसान चीज है आपके पास। सपोज करो आपके पास एक टर्म दिया है क्या, फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। आप इससे बोला क्या हमको जेड का कोफिशियंट निकालो, किसका निकालो? जेड का कोफिशियंट निकाल के दो। जिसका कोफिशियंट निकालना है या जितने का कोफिशियंट निकालना है जो भी टर्म्स दिए है उसमें से क्या करो, उसको हटा दो, बाकी सबको लिख दो। जेड का हमको निकालना था, हमने लिख दिया, जेड को हटा दो, क्या बचा? फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अगर आपसे बोलता है कि वाई स्क्वायर का कोफिशियंट लिख के दो, तो वाई स्क्वायर को हटाओ, वाई स्क्वायर को हटा के बाकी क्या बचा? फाइव एक्स स्क्वायर जेड। आपसे बोलता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिख के दो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या करोगे आप? एक्स को हटा दो एक्स स्क्वायर को, तो क्या मिला आपके पास? फाइव वाई स्क्वायर जेड, मतलब एक्स स्क्वायर को हटा दिए, बाकी जो बचा उसको लिख दिए। यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। अब कभी प्रॉब्लम क्या आ जाता, आपको सिर्फ बोला कि एक्स का कोफिशियंट लिख के दो, एक्स का कोफिशियंट निकाल के दो। अभी देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट था तो आपने पूरा एक्स स्क्वायर हटा दिया, लेकिन इस बार पूरा एक्स स्क्वायर हटाने के लिए बोला, सिर्फ क्या बोला? एक्स का कोफिशियंट निकाल के दो। तो हम क्या बोले थे, जितना हमको जिसका कोफिशियंट निकालना है, जिसका कोफिशियंट फाइंड करनी है, हम उतना ही निकालेंगे, बाकी चीजों को लिखते चले जाएंगे। हमको एक्स का निकालना है तो हमको क्या आता है? फाइव, तो हमको लेना है, ले लो जरा सा। एक्स मेरे पास है कितना? एक्स देखो जरा सा दो है। आपको कितने का निकालना? सिर्फ एक का निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहां से एक लिखते चले जाओ, बाकी जो था वो क्या करोगे? लिखते चले जाओगे। तो कोफिशियंट का मतलब ये हुआ कि हमको जिस टर्म का निकालना है, जितने का निकालना है, उतने को छोड़ के बाकी जो है जैसा है उसको आप लिखते चले जाओगे। तो पहला देखो हमको कोफिशियंट फाइंड करनी है किसकी? एक्स वाई। तो एक्स वाई आपके पास कहां से? ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन से आपको एक्स वाई का कोफिशियंट फाइंड करनी है। अब ये देखो जरा सा एक्स वाई है कहां पे? आप बोलोगे एक्स वाई सर मिल गया हमको एक्स वाई, एक्स वाई कहां पे है मेरा? ये रहा एक्स वाई। तो एक्स वाई को क्या, फाइव एक्स वाई टोटल टर्म,
हमको निकालना क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए कोफिशियंट क्या निकला, एक्स वाई हटा दो बचा क्या 5, लिख दिए खत्म। दूसरा हमको क्या कोफिशियंट बोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालो। अभी देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कहां पे पहले, आप बोलोगे सर मिल गया ये रहा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो हमको एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो आप एक्स स्क्वायर हटा दो, क्या बचा सिर्फ 3 बचा, आपने क्या करना है 3 का लिखते चले जाना है। फिर तीसरा क्या बोला हमको, वाई स्क्वायर का निकाल के दो, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म कहां है, बोलो सर ये तो रहा वाई स्क्वायर वाला टर्म, तो इससे करोगे क्या वाई स्क्वायर का निकालना कोफिशियंट, तो आप क्या करोगे वाई स्क्वायर को हटा दोगे, बाकी जो बचेगा लिखोगे, वाई स्क्वायर हटाओ क्या बचा सिर्फ -7 बचा, तो -7, तो ये आपके पास कोफिशियंट आ गया। होप आप सीख गए होंगे कोफिशियंट निकालना। देखो 6 नंबर करते हैं, वो तो 5 नंबर, फिर 5 नंबर जैसा आप 4 किए थे बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम स्किप कर गए थोड़ा सा। अब देखो 6 नंबर क्या करना, आइडेंटिफाई मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। देखो आप कैसे फाइंड करते हो कितने टर्म्स है, उसके हिसाब से अगर एक टर्म्स है तो मोनोमियल, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म है तो आप क्या बोलोगे ट्राइनोमियल। और टर्म्स कैसे फाइंड करते थे याद है ना, कि प्लस और माइनस जब तक साइन ना आ जाएगा तब तक हम एक पर्टिकुलर को एक सिंगल टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो चलो जरा सा स्टार्ट करते हैं, पहला ये पूरा मिला कितना हुआ एक टर्म, और ये एक टर्म कितना हुआ 2 टर्म हुआ, तो 2 टर्म्स वाले को आप क्या बोलोगे बाइनोमियल, तो मैं इसे बी लिख देता हूं बाइनोमियल। फिर यहां देखो जरा सा टोटल मिला के, ये पूरा मिला के यहां कहीं भी क्या प्लस माइनस का साइन आया बीच में, नहीं आया। देखो शुरुआत में माइनस टर्म है ठीक है, उसके बाद का जो मेरे पास टर्म है कितने टर्म है, इसमें प्लस माइनस कहीं नहीं आ रहा, सब मल्टीप्लाइड में है, मतलब क्या हो गया ये पूरा मिला के सिर्फ सिंगल टर्म हुआ, तो सिंगल टर्म हुआ तो क्या बोलोगे इसको आप मोनोमियल, मोनोमियल। थर्ड नंबर देखो, ये आपके पास एक टर्म, ये भी एक टर्म और ये भी एक टर्म, टोटल कितने टर्म हुआ 3 टर्म्स, तो 3 टर्म वाले को आप क्या बोलोगे ट्राइनोमियल, तो आपने लिख दिया यहाँ पे क्या ट्राइनोमियल। अब यहां जरा सा आ जाओ, ये एक टर्म 1 2 3 कितने टर्म आ गया मेरे पास 3 टर्म्स आ गया, तो इसको आप क्या बोलोगे ट्राइनोमियल। यहां देखो जरा सा, यहां बीच में कहीं भी प्लस माइनस कुछ भी साइन है नहीं है, तो टोटल मिला के जो हुआ कितने हुआ ये सिंगल टर्म हुआ, और ये सिंगल टर्म को आप क्या बोलोगे मोनोमियल, मोनोमियल बोलते हो आप। फिर यहां देखो ये मेरे पास 1 एंड 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स वाले को आप क्या बोलोगे बाइनोमियल, तो इस तरह से आप क्या करोगे इसका नाम लिखते चले जाओगे। ये देखो लास्ट 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक टर्म ये सेकेंड ये थर्ड, तो मेरा मिला कितने टर्म्स है 3 टर्म्स, तो ये 3 टर्म्स आ गया, तो क्या बोलेंगे आप ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब देखो यार 7 नंबर में क्या लिखना है, राइट द न्यूमरल फैक्टर एंड द लिटरल फैक्टर। देखो न्यूमरल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर क्या होता है, जो भी अल्फाबेटिक टर्म होगा दैट विल बी द लिटरल फैक्टर, और जो मेरे पास नंबर्स होंगे 1 2 3 4 10 20 जो भी हो उसको आप क्या बोलोगे न्यूमरल फैक्टर। तो न्यूमरल फैक्टर को हम एन से डिनोट करते हैं, और क्या होता है लिटरल फैक्टर को हम लोग एल से। तो देखो यहां पे न्यूमरल फैक्टर नंबर क्या आपके पास है 15, तो 15 क्या आ गया आपके पास न्यूमरल फैक्टर, और आपके पास क्या है सिर्फ एक्स है, तो ये क्या आ गया लिटरल फैक्टर। यहां भी जरा सा देख लो जरा सा, न्यूमरल एंड लिटरल, तो नंबर क्या आपके पास है -4, इसको आप लिखोगे तो -4 क्या होगा आपके पास न्यूमरल फैक्टर, और लिटरल में आपके पास देखो 2 है एक्स वाई, तो आप लिख दो जरा सा एक्स वाई, कुछ नहीं करना बस लिखते चले जाना है। यहाँ पे नंबर आपके पास क्या है 2/9, तो न्यूमरल फैक्टर क्या होगा आपके पास 2/9, और लिटरल फैक्टर की अगर बात करें तो क्या होता है ए बी स्क्वायर, तो लिख दो जरा सा ए बी स्क्वायर। और यहाँ देखो जरा सा इसमें अच्छी तरह से देखना, यहाँ पे आपके पास नंबर नहीं दिया हुआ उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, तो आपके पास जो न्यूमरल फैक्टर आ गया क्या आ गया -1, और जो लिटरल फैक्टर आ गया वो क्या आ गया ए स्क्वायर। तो जो नंबर था नंबर को अलग कर लो और लिटरल को अलग कर लो, अल्फाबेट को अलग कर लो, ये न्यूमरल एंड लिटरल फैक्टर आपके पास आ गया। अब देखो फिर से आ गया फाइंड द कोफिशियंट, और इस बार देखो अच्छी तरह दिमाग बैठा लो, कोफिशियंट फाइंड करनी है किसकी, सिर्फ एक्स, एक्स का ना कोई पावर है कुछ है, तो आपको कोफिशियंट फाइंड करना सिखाया था कैसे, जिसका फाइंड करना है उसको छोड़ दो बाकी जितना भी है सबको लिख दो। तो यहां से किसकी फाइंड करनी है एक्स, तो यहां से एक्स को हटाओ क्या बचा 1/2 -1/2, ये आपके पास क्या हो गया मिस कोफिशियंट हो गया। यहां से एक्स आप बोलोगे सर यहां तो कुछ भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया मतलब समझते हो आप क्या होगा 1 होगा, ये हो गया 1। और यहां से देखो जरा सा आपके पास क्या दिया है 2xy,
हमको किसका फैक्टर निकालना है, x का निकालना है। आप x यहां से रिमूव कर दो, x हटने के बाद क्या क्या बचा, 2 बचा और y बचा, तो 2 एंड y हमने दोनों को लिख दिया, ये आपके पास फैक्टरी कोफिशियंट आ गया। अब देखो नीचे फिर से हम कोफिशियंट फाइंड करने हैं, और कोफिशियंट किसका फाइंड करना है, इस बार बी स्क्वायर का फाइंड करना है। तो आपको किसको हटा देना है, हर एक जितने से भी आपको कोफिशियंट निकालना है, आप क्या करोगे बी स्क्वायर को हटा दो, बाकी जो बचता है उसको आप लिखते चले जाओ। यहां से बी स्क्वायर हटाओ, क्या बचा माइनस ए, ये आपका क्या हो गया कोफिशियंट। यहां से देखो जरा सा बी स्क्वायर को हटा दो, जिसका हमको कोफिशियंट निकालना है उसको आप निकालते चले जाओ, बाकी को लिखते चले जाओ और कुछ नहीं करना है। बी स्क्वायर हटा दिया, क्या बचा सिर्फ 6 बचा। और यहां से देखो जरा सा आप अगर बी स्क्वायर को रिमूव करते हो तो बी स्क्वायर रिमूव करने के बाद क्या क्या बचा आपके पास, 7 बचा और ए स्क्वायर। तो आप जो बचा उसी को आप क्या करो लिखते चले जाओ। तो ये इस तरह से कोफिशियंट भी आप अब पूरी तरह से सीख चुके होंगे। नेक्स्ट देखो जरा सा 10 नंबर, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। देखो लाइक टर्म आपको पहले भी समझाया था, फिर समझाते हैं अभी। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, देखो नंबर से कोई मतलब नहीं है, जो भी आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं एक्स वाई ए बी सी डी, हमको इसको चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। देखो पहला है मेरे पास क्या है, एक्स। अब देखो जरा सा दूसरा कोई टर्म है जिसमें सिर्फ एक्स हो, एक्स के संग कुछ नहीं, एक्स के कोई पावर भी नहीं, तो फिर वो क्या कहलाएगा लाइक टर्म। देखो इसमें एक्स, इसमें भी एक्स, x इसमें भी है, लेकिन x के संग क्या हो गया y आ गया, ये क्या हो गया सिमिलर नहीं हुआ, और इसमें क्या है सिर्फ y। तो आपके पास लाइक टर्म्स क्या क्या हो गया, 11x एंड 7x, ये आपके पास क्या हो गया लाइक टर्म्स। दूसरा देखो जरा सा 3yz, 3 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, yz से। अब ढूंढो जरा सा और किससे में क्या yz है, yz देखो यहां भी yz है, सिर्फ yz और उसके संग कुछ भी नहीं है। नंबर से रहे ना, नंबर से कोई मतलब नहीं, नंबर क्या है प्लस में माइनस में, इससे कुछ आपको ढूंढना भी नहीं है, ना कोई मतलब होना चाहिए आपको। तीसरा देखो एक्स वाई, तो इसमें है नहीं वाई जेड, तो ये तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर देखो अब लास्ट टर्म जो है इसमें क्या आता है, एक्स वाई जेड, वाई जेड तो है इसके संग, लेकिन एक और टर्म्स एडेड है, क्या हो गया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा लाइक टर्म में नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3yz एंड -5yz, ये क्या होगा आपके पास लाइक टर्म। तो फिर यहां भी इसी तरह से आ जाएगा सर। अब देखो जरा सा एक्स स्क्वायर, अब ढूंढो जरा सा सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये है एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म मिला हमको जिसमें क्या होता है सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया, उसके संग कुछ नहीं, एक्स यहां भी है लेकिन क्या होता है एक्स अकेले भी है और कोई टर्म है नहीं इसके संग, लेकिन इसके पावर क्या होता है सिंगल पावर 1 है, यहाँ पावर क्या चाहिए 2 वाला चाहिए हमको, तो ये भी लाइक टर्म में नहीं आएगा। यहां देखो जरा सा एक्स यहां भी है लेकिन एक्स के संग वाई है, पावर भी नहीं है सेम, तो ये भी लाइक टर्म में नहीं आया। तो ये दो टर्म जो मेरे पास है वो क्या आ गया लाइक टर्म में आ गया। तो क्या क्या मिला, एक्स स्क्वायर एंड 11/9x², ये क्या गया लाइक टर्म। तो सेम आपके पास अलजेब्रिक टर्म होनी चाहिए, वो क्या हो गया लाइक, नंबर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे आ जाते हैं, देखो जरा सा क्या क्या आपके पास है, पहला ए स्क्वायर बी। अब ढूंढो जरा सा और भी कोई टर्म है जिसमें ए स्क्वायर बी आता हो, ए स्क्वायर बी ये क्या आ गया ए बी स्क्वायर, ये क्या आ गया ए बी स्क्वायर, ये कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है, क्रॉस कर लिए। दूसरा टर्म हो जरा सा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यहां एक और मिला ए बी स्क्वायर, तो ये और ये क्या हो गया लाइक, नंबर अलग हो सकता है 8 है -10 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ क्या ए स्क्वायर, तो ये भी नहीं, तो दो ही टर्म को मिला जो कैसे है सिमिलर टर्म्स हैं। तो लिख दो जरा सा 8 ए बी स्क्वायर एंड -10 ए बी स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास लाइक टर्म। अब देखो जरा सा ये अच्छी तरह समझना, राइट द डिग्री, हमको क्या फाइंड करनी है, हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया और वहां डिग्री फाइंड करनी है। तो देखो डिग्री किसका फाइंड होगा, जो वेरिएबल टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट है उसका तो कोई डिग्री हमको लेना नहीं है, जो वेरिएबल टर्म्स है मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में जो है उसका हमको डिग्री लेना है। और डिग्री में भी क्या करना है, तो देखो जरा सा अच्छी तरह से, अभी यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल क्या है सिर्फ एक ही है एक्स, डिग्री मतलब इसके हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसका जो डिग्री हो गया डिग्री कितने का हुआ डिग्री 1। अब यहां देखो यहां पे 3 कैसा है कांस्टेंट टर्म, तो इसका तो डिग्री हमको ढूंढना नहीं है। अब मेरे पास आ गया क्या x और ये 2 से ही मतलब नहीं हमको, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं हमको, हमको मतलब किससे वेरिएबल, और वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उससे, तो x और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या हो गया डिग्री हो गया 1। अब देखो जरा से नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है आपके बुक का सम्स 7 - y², 7 कांस्टेंट टर्म है भूल जाओ इसको, अच्छा y क्या है वेरिएबल। अब इसको देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा इसका डिग्री, तो डिग्री क्या हो गया आपके पास 2।
अब देखो यहां पे इस एक्सप्रेशन में देखो अच्छी तरह से, अब यहां पे y यहां भी है, y यहां भी है और ये तो कांस्टेंट है, तो यहां इसका डिग्री से कोई मतलब है नहीं। y जो मेरे पास है, y का जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 3 है मेरे पास, इसके पास इसका जो हाईएस्ट पावर है कितना है, 1 है। अब देखो जरा सा, ये मेरे पास सबसे बड़ा पावर क्या निकला, सबसे बड़ा पावर है 3, 1 भी था 3 भी था, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे बड़ा टर्म होगा, हमको उसी को डिग्री के तौर पे लिखना है। तो अगर आप डिग्री लिखोगे तो डिग्री जो है इसका, वो डिग्री क्या बन जाएगा, ये डिग्री होगा 3। तो ये आपका एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग वीडियो करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।